हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो बीकॉम पार्ट सेकंड में चलती है का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग, अर्थात इकाई या उत्पादन लागत लेखांकन। विद्यार्थियों, मैंने मेरे पिछले दो लेक्चर में आपको ये बताया था कि ऐसी कंपनियां जहां एक ही समान आकार प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता हो और उत्पादन प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, तो वह लागत लेखांकन की जिस पद्धति का उपयोग करती है वह यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। मैंने मेरे पिछले दो लेक्चर में इसकी विशेषताएं, ये किन किन उद्योगों में इसका उपयोग होता है और किस प्रकार से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं, ये आपको सिखाया था। मेरे लेक्चर नंबर 2 में आपको कंपटीशन ऑफ टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने सीखा था। आज के लेक्चर नंबर 3 में भी हम डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, अर्थात आगामी अवधि के लिए हमें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कोट करना हो, बताना हो, तो किस प्रकार से विक्रय मूल्य की गणना करें, ये हमें आज के लेक्चर में विशेष रूप से पढ़ना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आगामी अवधि के लिए जो सूचनाएं दे रखी हैं उनको अक्षर से फॉलो करना होगा, चाहे उत्पादन में वृद्धि की मात्रा के संबंध में हो, चाहे श्रमिकों की कार्य कुशलता के संबंध में हो, चाहे परिवर्तनशील उपरिव्यय के बारे में हो, चाहे स्थायी उपरिव्यय के बारे में। जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं उनको आपको अक्षर से पालन करना होता है। तो विक्रय मूल्य का निर्धारण हम किस प्रकार से करें, आज हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्यार्थियों, आपको इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट बनाने आने चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा विक्रय मूल्य के निर्धारण पर है। हम एक क्वेश्चन के द्वारा डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू बाय द कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ प्राग इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर 2014। मटेरियल कंज्यूम्ड 1,50,000, प्रोडक्टिव वेजेस 2,20,000, फिक्स्ड ओवरहेड 80,000, वेरिएबल ओवरहेड 50,000। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द ईयर 2015, फर्स्ट आउटपुट विल रेज्ड बाय इम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर्स। ओवरऑल एफिशिएंसी विल फॉल बाय 10% बिकॉज ऑफ न्यू वर्कर्स। मेटेरियल प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 5%। फिक्स्ड ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय ₹18,000। वेरिएबल ओवरहेड विल वेरी विद द नंबर ऑफ वर्कर्स इम्प्लॉयड। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इफ द कंपनी विशेज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर 2015, एज्यूमिंग दैट देयर विल बी नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी टाइप। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें 2014 की सूचनाएं दे रखी हैं और हमें 2015 के लिए सेलिंग प्राइस की एस्टिमेशन दिखानी है। खास बात इस क्वेश्चन में आपको ये बताई गई है कि 50% अधिक श्रमिकों की नियुक्ति के कारण उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थात 2014 में जितने मजदूर थे उनसे 50% मजदूर ज़्यादा होंगे। दूसरी बात है, नए श्रमिकों की नियुक्ति के कारण कुल कार्य क्षमता में 10% की कमी हो जाएगी, अर्थात जैसे ही 50% श्रमिक हम नए अपॉइंट करेंगे तो हमारे मजदूरों की एफिशिएंसी 10% कम हो जाएगी। तो इसको आपको समझना है। मान लीजिए हमने माना कि 2014 में हमारी कंपनी 100 इकाई बनाती थी। मैं इसको आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि 2014 में हमारी कंपनी 100 यूनिट बनाती थी, 100 यूनिट्स। और आपको ये भी कहा है कि हमारे मजदूरों की का अपॉइंटमेंट 50% अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 50% मजदूर अधिक हैं तो उत्पादन भी हमारा 50 इकाई अधिक होना चाहिए, अर्थात वर्तमान में जो मजदूर हमारे पास काम कर रहे थे वो 100 इकाई बनाते थे, मजदूर 1.5 गुना हो गए तो उत्पादन भी हमारा 1.5 गुना हो जाना चाहिए, अर्थात 150 यूनिट्स का उत्पादन होना चाहिए। लेकिन पॉइंट नंबर बी में लिखा है कि नए श्रमिकों की नियुक्ति के कारण कुल कार्य क्षमता में 10% कमी हो जाएगी, अर्थात मजदूर जब ज़्यादा हो जाएंगे तो बातचीत ज़्यादा करेंगे, काम कम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो हम लेस कर देंगे इसमें 10% एफिशिएंसी। 10% एफिशिएंसी का आउटपुट कम होना है तो 150 का 10% होता है 15, तो 15 इकाई वो कम बनाएंगी, तो हमारा जो नेट आउटपुट है
के हिसाब से बात करें तो 135 इकाई होगा। अर्थात 2014 में अगर हमारी कंपनी 100 इकाई बना रही थी, अर्थात 2014 में हमारी कंपनी अगर 100 इकाई बना रही है, तो 2015 में हमारी इकाई 135 होंगी। तो हम कह सकते हैं कि नेट इंक्रीज इन आउटपुट इज 35%, हमारे उत्पादन में शुद्ध 35% की वृद्धि होगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर हमें कहा है सामग्री के मूल्यों में 5% वृद्धि होगी, स्थिर ऊपरी व्यय में 18,000 रुपये की वृद्धि दिखानी है आपको, और परिवर्तनशील ऊपरी व्यय श्रमिकों की संख्या के अनुपात ही बदलेंगे। तो श्रमिक हमारे 1.5 गुना हो गए, तो वेरिएबल ओवरहेड भी हमारे 1.5 गुना हो जाएंगे। हमें हमारी लागतों पर 20% लाभ लेना है, और किसी प्रकार का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो ये सूचनाएं आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम इसके आधार पर किस प्रकार से सेलिंग प्राइस की गणना करें, ये हम समझना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस कॉस्ट शीट को हम कैसे बनाएं, अर्थात डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस कैसे करें, मैंने एक आपको समझाया है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस का प्रारूप बना लेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया था। और मैंने एक अमाउंट के 2 कॉलम बनाए हैं, एक डिटेल अमाउंट के लिए और एक हमारा नेट अमाउंट के लिए। आपका जो 2014 की सूचनाएं थी उसमें हमने मेटेरियल दे रखा था अपने को, मेटेरियल कंज्यूम्ड, और वो दे रखा था 1,50,000 रुपये। और मैंने आपको बताया कि हमारा अगले वर्ष में नेट जो आउटपुट है वह 35% बढ़ेगा, अर्थात 2014 में आउटपुट 100 इकाई था, 50% नए श्रमिक आ गए, तो हमारे हिसाब से उत्पादन 150 इकाई होना चाहिए था। श्रमिकों की एफिशिएंसी 10% घट गई, तो 15 इकाइयाँ कम कर दी हमने, तो नेट आउटपुट हमारा पिछले वर्ष की तुलना में जो 100 था अगले वर्ष में 135 इकाइयाँ, अर्थात नेट इंक्रीज 35% है। तो अगर हमारा उत्पादन 35% बढ़ा है तो मेटेरियल इंक्रीज भी 35% बढ़ेगी। तो पिछले साल की मेटेरियल 150 की थी, उसमें ऐड कर दिया मैंने 35% ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट, और ये 52,500 रुपये, और योग आ गया 2,02,500। अब हमें कहा है क्वेश्चन में कि अगले वर्ष सामग्री की दरें 5% से बढ़ जाएंगी, तो ऐड 5% फॉर इंक्रीज इन प्राइस मैंने जोड़ दिया, 2,02,500 का 5% 10,125, और योग आया 2,12,625। तो ये हमारी 2015 के लिए मेटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। अब हमें लेना है लेबर कॉस्ट, हमें प्रोडक्टिव लेबर दे रखा है सवाल में 2,20,000 रुपया क्वेश्चन में, और हमें ये भी कहा है कि अगले वर्ष मजदूर में हम 50% की वृद्धि करेंगे, तो ऐड 50% ड्यू टू इंक्रीज इन वर्कर, हमारी मजदूरी भी 50% बढ़ जाएगी, तो मजदूरी होगी 3,30,000 रुपये, और हमारा प्राइम कॉस्ट आ गई 5,42,625। हमें ऐड करने हैं फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 80,000, और हमें ये भी सूचना दे रखी है कि अगले वर्ष फिक्स्ड ओवरहेड 18,000 रुपये बढ़ जाएंगे, तो मैंने 18,000 रुपये बढ़ा करके 98,000 कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड 2014 में हमें सवाल में 50,000 रुपये दे रखे हैं, और हमें हिंट ये दिया है क्वेश्चन में कि वेरिएबल ओवरहेड श्रमिकों की संख्या के अनुपात में बढ़ते हैं, तो जब श्रमिक 50% बढ़ गए तो वेरिएबल ओवरहेड भी हमारे 50% बढ़ जाएंगी, अर्थात 50,000 का 50% 25,000 भी जोड़ दिया, तो ये 75,000 हो जाएगा। हमने योग किया तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, इसमें हमारी फैक्ट्री कॉस्ट भी आ गई, कॉस्ट ऑपरेशन भी आ गई, टोटल कॉस्ट भी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि हम 2015 में जो लागत आएगी उसका 20% प्रॉफिट लेंगे, तो प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, 7,15,625 × 20%, तो प्रॉफिट आया 1,43,125, और योग कर दिया तो ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब अगर हमें अगले वर्ष का उत्पादन की इकाइयाँ दे रखी हों, मान लीजिए आपसे कह दिया कि अगले वर्ष हम 1,000 इकाइयाँ बनाएंगे, तो हम इसमें 1,000 का भाग दे दें तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य आ जाएगा 858 रुपये 75 पैसे, जितना भी आउटपुट दिया है उसका भाग दे देंगे, तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य की गणना भी हम करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम आगामी अवधि के लिए एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की गणना कर सकते हैं। हमें विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि मेटेरियल में जो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है वो भी हमें शो करनी है, चाहे वह है इंक्रीज प्राइसेज की वजह से हो, चाहे इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट की वजह से हो। ठीक इसी प्रकार से लेबर में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है वो भी आपको चेंज दिखाना है, और हमारे ओवरहेड्स में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो भी हमें दिखा देना है। उसके पश्चात जो कॉस्ट आएगी उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो जोड़कर हम विक्रय मूल्य का निर्धारण करेंगे। तो आप कॉस्ट शीट का कोई भी सवाल सोल्व करें तो इस मेथड से आपको टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस या सेलिंग प्राइस की गणना करनी होगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मेरे कल के लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारी कंपनी
दो या दो से अधिक वस्तुएं बना रही हो, तो उस स्थिति में हमें उनको अनुपातों के द्वारा जो है कॉस्ट बांटनी होगी और प्रति इकाई लागतें भी ज्ञात करनी होगी। तो जब दो या दो से अधिक समरूप वस्तुएं कोई कंपनी बनाती है जिनको आप किसी उचित अनुपात के आधार पर एक कर सके, तो उनकी कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको मेरे कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आप मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के, यूनिट कॉस्टिंग के लेक्चर्स जो हैं निरंतर आप वॉच करते रहिए, और अगर आपको समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए व अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।